श्रीदेवी अब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी आखिरी फिल्म मॉम के लिए उन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मॉम फिल्म के डायरेक्टर जो है रवि उदयवार, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कितने खुश हैं आप श्रीदेवी को नेशनल अवार्ड मिला है आपकी फिल्म के लिए, जो जिसका निर्देशन आपने किया था। बहुत ही खुश हूँ, हैप्पीएस्ट मोमेंट, बट एट द सेम टाइम सैड मोमेंट टू, शी इज नॉट देयर, वो नहीं है, उनके साथ शेयर करना कुछ और ही मजा होता अगर वो होती हमारे साथ। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग होगी जब आपने ये खबर सुनी कि श्रीदेवी को नेशनल अवार्ड मिला है उनकी आखिरी फिल्म के लिए, आखिरी बार लोगों ने मॉम फिल्म देखी होगी और इसके बाद अब किसी फिल्म में नजर नहीं आएंगी, तो और क्या चल रहा है आपके मन में? बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, बहुत बड़ा सम्मान है और वो डिज़र्व करती हैं, वो डिज़र्व उसके हर एक मोमेंट को करती हैं। एंड मुझे लगता है कि इस फिल्म में उन्होंने जो कमाल किया है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में उनकी तरह जो परफॉर्मर हैं, जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, कोई नहीं है। सो आई एम रियली लकी दैट आई हैव मेड माय फर्स्ट फिल्म विद हर, एंड मैं खुश हूँ कि उस फिल्म के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। दैट्स रियली, दैट्स अ बिग फीलिंग, हैप्पी, हैप्पीएस्ट मोमेंट। चलिए ये बताइए कि श्रीदेवी को आपने इस फिल्म के लिए, मॉम फिल्म का जो किरदार था उसके लिए क्यों कास्ट किया, क्या खास वजह आपको नजर आई कि आपने श्रीदेवी को ही चुना, बाकी किसी हीरोइन को नहीं चुना? मतलब गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब हम लिख भी रहे थे, एक माँ जिसकी 18 साल की बेटी है और जो इमोशन को हमने प्ले अप किया है, आई कुडंट थिंक ऑफ एनीबडी, मतलब कोई नहीं होता जिसको उतने खड़े रंग से उसको प्ले करता। पहली फिल्म में ही इतनी बड़ी एक्ट्रेस को डायरेक्ट करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को के साथ ये कोइंसिडेंस होता है कि इतने बड़े स्टार को वो डायरेक्ट कर पाए, आपको ये मौका मिला, क्या कहेंगे? मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा, एंड आई एम रियली लकी दैट बोनी सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आई एम थैंकफुल दैट अपॉर्चुनिटी मिला। और आई रिमेम्बर उनको नरेट कर रहा था मैं कहानी, तो उनका मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं पता था क्योंकि सर ने कहा था कि अगर इफ शी लाइक्स इट देन शी विल डू द फिल्म, उनको तो अच्छी लगी थी, बट द वे शी रिएक्टेड एंड शी फेल्ट दैट कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को उन्होंने महसूस किया, तो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी दैट शी सेड यस टू मॉम एंड शी पुल्ड इट ऑफ। चलिए ये बताइए कि जब आप शूट कर रहे थे श्रीदेवी जी के साथ फिल्म में, कई महीने शूटिंग चली होगी, कुछ खास घटनाएं आप सेट की बता सकते हैं, कुछ चंद हसीन यादें बता सकते हैं, क्या कुछ हुआ था अगर आप बता पाएं? ये फिल्म काफ़ी इमोशनल फिल्म है, जर्नी भी हमारे लिए काफ़ी इमोशनल रहा है, और सेट पे मैंने स्ट्रिक्ट बताया था लोगों को कि कोई हंसी मजाक नहीं होगा, क्योंकि एक्टर का मूड ब्रेक हो सकता है, जोन ब्रेक करते हो तुम जब हंस रहे हो तो। लेकिन ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जब हम काफ़ी लेट शूट कर रहे थे, सुबह के 3:30 बज रहे थे, दैट्स व्हाट शी वाज़ देयर, एंड एक इंटेंस सीन था जो फिल्म में नहीं है, लेकिन वो एक सीन हमने शूट किया था जब वो एक कैरेक्टर के घर घुस रही है, उसको पॉइजन करने जा रही है, तो उस सीन में ऐसे था कि वो छुप के पीछे की तरफ आ रही हैं और पर्दा था, हवे की वजह से पर्दे में वो फंस गई, तो उन्होंने जो उस पर्दे से छूटने का जो परफॉर्म किया था, मतलब वो जो टाइमिंग था, कॉमिकल टाइमिंग, इट्स अ ट्रू आर्टिस्ट मैन, द वे शी डिड इट, वी ऑल लाफ्ड, वी ऑल स्टार्टेड क्रैकिंग, हम सब हंस रहे थे, और मुझे लगता है कि वो एक अमेजिंग चीज़ है कि उसी के अंदर उन्होंने जो एक मैजिक किया था, इट्स नॉट देयर इन द फिल्म, बट मैंने उनको यही कहा था कि अगली फिल्म हम कॉमेडी करेंगे, सो यार ये डिस्कशन भी हुआ था, हमने कहा बिकॉज आई थिंक शी इज फैंटास्टिक। उधर लगभग 40 साल उन्होंने इंडस्ट्री में गुजारे, तमाम भाषाओं में काम किया, माना जाता है कि श्रीदेवी बहुत कम बात करती हैं, कम इंटरेक्ट करती हैं, ऐसे में जब आप कोई सीन उन्हें समझाते थे तो आपके लिए कितना आसान कितना मुश्किल होता था, चूंकि एक बड़ी स्टार भी हैं तो उनको क्या कैसे समझाया जाए ये भी मन में आपके चलता होगा, तो कैसे आप उन्हें डायरेक्ट करते थे? जी ने, उन्होंने इस किरदार को काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया था, तो जब हम डिस्कशन भी होता था तो सवाल तो होता था उनका, तो बट शी अंडरस्टूड दैट कैरेक्टर, तो इट वॉज ईजी। काफ़ी मरतबा ये भी हुआ कि जब वो डायलॉग्स हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ एक इमोट करूँगी, आई थिंक दैट इज़ वेयर आई न्यू दैट शी इज़ गोना डू अ ग्रेट जॉब ऑफ इट, सो इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ईजी। आई थिंक कम बोलते थे लेकिन वो बोला नहीं जाता, यू जस्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, तो एट द सेम टाइम शी वाज स्टिल अ डायरेक्टर्स एक्टर,
सो शी अंडरस्टूड कि क्या मैं देख रहा हूँ, तो आई ऑलवेज गॉट द बेस्ट ऑफ दैट सीन. एक सवाल और मेरे मन में है कि आपकी जो फिल्म मॉम थी उसका जो सब्जेक्ट था वो रिवेंज ड्रामा था कि बेटी के साथ बलात्कार होता है और माँ बदला लेती है. आजकल जो देश का माहौल चल रहा है, चाहे वो यूपी में उन्नाव हो या कठुआ हो, जम्मू कश्मीर में इसी तरह की वारदातें हो रही हैं, पूरे देश में गुस्सा है, एंगर है, एक किस्म का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया में भी लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से जितनी क्रूरता के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आपने ये सब्जेक्ट ही क्यों चुना कि ये जो रिवेंज ड्रामा है, एक बलात्कार एक लड़की के साथ होता है, कितनी सिमिलैरिटी आप रियल लाइफ में और सिनेमा में पाते हैं, अगर मैं बात करूं आपकी फिल्म के रेफरेंस में? तो द रीज़न इस फिल्म का यही था कि रेलेवेंट है, ये हमारे आसपास हो रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है. अगर आप देखोगे इस फिल्म में माँ बेटी का जो इमोशन जर्नी है, जो रिलेशनशिप है और जो बेटी के साथ होता है, उसको भी ज़्यादा दर्शाया गया है कि क्या इस फैमिली के साथ क्या गुजरती है. सो उसको हम एड्रेस नहीं करते, बट वी हैव टू टॉक, क्योंकि हमारा काफ़ी कुछ टैबू है कि ऐसा हुआ है. तो आई थिंक आई फेल दैट इट्स अ नीड ऑफ द आर्ट टू यू नो टेल अ स्टोरी, जबकि यहाँ पे माँ बदला ले रही हैं, विच इज़ अगेन यू नो इट्स अ सिनेमैटिक लिबर्टी वी टुक. बट यही तो होगा, इफ व्हेन द लॉ फेल्स समबडी टेक्स ओवर, एंड एज अ मदर शी टुक दैट यू नो चांस. और कहा जाता है कि सिनेमा जो होता है वो समाज का ही अक्स होता है, तो हमारे सिनेमा में वो सब दिखता है जो कुछ समाज में होता है. हाँ वही है सर, जो सिनेमा है वही रिफ्लेक्शन, फिल्म तो रिफ्लेक्शन समाज का ही है. सो अगर आप मॉम भी देखें तो आई ऑलवेज फील कि क्या होता होगा, क्या गुजरती होगी उस फैमिली को जिनके साथ ये होता है. छोटी छोटी बच्चियों को भी छोड़ा नहीं जाता है, मतलब जितना मैं जिस देश में हम यू नो पूछते हैं देवियों को, हम इतने इनसेंसिटिव कब से हो गए, हम क्यों ऐसे हैं, हम क्यों चुप रहते हैं. सो एक एंग्स्ट तो था ही, हम पढ़ते हैं, वो निकल गया इस फिल्म के दौरान. और या सारा हम सब ने फील किया कि इम्पोर्टेंट स्टोरी है, कहना ज़रूरी है. चलिए उदय, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई. हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.